हैप्पी हरतालिका तीज फ्रेंड, कल है हरतालिका तीज और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी से ही शुरुआत की थी अपने व्रत का और मेरी तैयारी यहीं से शुरू हुई थी। रात का टाइम है और मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथ से ही, लेफ्ट हैंड से राइट और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे मैं अपने हाथ से ही मेहंदी लगा ली थी। और थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगा, मुश्किल आई लेकिन लग गया बहुत अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। मोटी मोटी डिजाइन में लगाई कि थोड़ा डार्क कलर अच्छे से आएगा और बस यहीं से बस मेरे त्यौहार की तैयारी शुरू हो गई थी। और उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी, क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा ना हो तो फिर मन खुश नहीं रहता, तो इसीलिए मैं अच्छे से घर साफ़ सुथरा करके और फिर आगे मैं अपने व्रत की शुरुआत की। और उसके बाद मैं देख सकते हैं कि मैं अपने चूड़ी उड़ी की सेटिंग वेटिंग लगा करके मैं आगे पूरी तैयारी करने लगी, क्योंकि बहुत सारा काम था, घर का भी सारा काम करना था। वेलकम टू माय चैनल रंजना होम रिफ्लेक्शन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है हरतालिका तीज, मैंने रखा है व्रत और भोर में सर्गी लेने के बाद मेरा व्रत स्टार्ट हो चुका है। सुबह नहा करके फ्रेश हो करके सारे काम से फ्री हो करके और नहा धो के थोड़ी सी पूजा करके अब मैं खाली होकर के आ गई हूँ शाम की तैयारी के लिए, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है और शाम को अच्छे से तैयार होना होता है, पूजा की पूरी तैयारी करनी होती है, तो इसलिए दोपहर में बहुत सारा भी टाइम है मेरे पास तैयारी करने के लिए। तो मैं अब आगे की तैयारी करूँगी कि शाम के लिए मुझे क्या पहनना है और क्या पूजा करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ और पूजा कैसे करूँगी, कहाँ करूँगी, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखिएगा। और हरतालिका तीज के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि ये सारी सुहागन को करना बहुत जरूरी होता है, मेरे परिवार में सारी औरतें इस व्रत को करती हैं और ये थोड़ा कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत में शाम को पानी नहीं पिया जाता है, ये पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। अगले दिन सुबह पार्वती जी की पूजा करके और उनका जो कच्ची मिट्टी की मूर्ति की जो पूजा होती है उसको प्रवाहित करके उसके बाद ही हम लोग पारण करते हैं, पानी पीते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। तो इस तरह व्रत पूरे 24 घंटे का होता है और अगले दिन जाकर के ये पूरा होता है। तो ये व्रत थोड़ा कठिन है लेकिन हम लोग बहुत खुशी मन से मनाते हैं इसको, तो इसलिए बहुत आसानी से बीत जाता है व्रत और बहुत अच्छा लगता है इस व्रत को करने में। ये हरतालिका तीज का जो व्रत है वो सुहागिन औरतों के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यह हरतालिका तीज कुंवारी लड़कियां जब करती हैं तो उनको अच्छा पति मिलता है, तो अपने अच्छा सौभाग्य पाने के लिए और सुहागिन औरतें जो हैं अपने सौभाग्य को बरकरार रखने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो भगवान शंकर की कृपा से सच में ये बहुत ही अच्छा व्रत है और बहुत मन से करना चाहिए इस व्रत को, श्रद्धा रखनी चाहिए इस व्रत में और बहुत अच्छा लगता है इस व्रत को करके। ये मन में एक संतुष्टि होती है कि इतना कठिन व्रत है और मैंने इस व्रत को पूरा किया। फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, अभी पूजा हुई नहीं है, मैं इसके पहले पूजा करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी तैयारी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। ये आसनी है, अभी मैं इस पे नहीं बैठूंगी क्योंकि जब मैं नहा के तैयार होके आऊँगी तब मैं इस पे बैठ के पूजा करूँगी, तो साइड से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा मंदिर है जिसमें रोज़ पूजा होता है हमारे घर में, तो इसमें भी भगवान जी का पूरा श्रृंगार हटा दिया गया है, फिर से इससे अभी पूजा होगा इसमें। अब आगे मैं आप लोगों को पूजा की सामग्री दिखा रही हूँ जो मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तैयार किया है, क्योंकि घर पे रहने पर तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत तरह के फूल मिल जाते हैं, भांग धतूर और धतूर का फल वगैरह सब मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मार्केट में मिला नहीं, जो मुझे मिल सका मेरे लोकल मार्केट में जो कुछ अवेलेबल था मैं लेकर के आई और मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पार्वती जी के श्रृंगार का सामान है जो पार्वती जी को चढ़ाया जाएगा, चुनरी के साथ ये बिछुआ है जो सुहाग की निशानी होती है इसलिए सुहागिन औरतें ये चढ़ाती हैं, और सीसा, कंघी, चूड़ी, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, जितना कुछ भी मुझे मिल सका चढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके ले। ये भगवान जी को चढ़ाने के लिए ये फूल रखा हुआ है और प्रसाद में चढ़ाने के लिए 5 तरह का फल है, कम से कम 5 तरह का फल तो होना ही चाहिए, और मार्केट में और भी मिल जाए तो आप ला सकते हैं लेकिन मैं 5 तरह का ही फल ही मंगाई।
मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली हो और मैं जा रही हूँ तैयार होने, तैयार होके आती हूँ तो आप लोग देखिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और देखिए, आप देख सकते हैं कि इस समय शाम का 6 बज रहा है, लेकिन सुबह से मैं पानी नहीं पी हूँ, लेकिन मुझे जरा सा भी मेरे चेहरे को देख के नहीं लग सकता कि मैं पानी नहीं पी हूँ। मैं पूरे उत्साह के साथ मैंने पूरी तैयारी की है सुबह से, और बहुत ही एनर्जेटिक ये दिन बीता है। और सारा काम भी मुझे करना था घर का, तो सारा काम भी टाइम पे हुआ और पूजा की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, फिर देखते हैं अपना फाइनल लुक। फ्रेंड्स, इनको देख के लग रहा है कि इन्हीं का व्रत है ना, ये सुबह से व्रत रहे हैं। ऑफिस से आए तो इनको कुछ खाने को तो मिला नहीं है, तो बस इनको देख के लग रहा है कि ये इस पूरे दिन से भूखे हैं। अगर किसी से ये झूठ भी बोल देते ना कि ये सुबह से तीज का व्रत है, तो कोई भी इनका चेहरा देख के मान लेता कि हाँ ये व्रत तो है ही। हम व्रत हैं सुबह से। अच्छा। दिन भर का निर्जल व्रत रह करके मैंने शाम को शंकर पार्वती और गणेश जी का पूजन किया, और श्रद्धा पूर्वक मैंने पूजन किया। जितना मुझे ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने अच्छे से पूजा कर ली। और पूजा में भगवान की कथा सुनी जाती है, तो मेरे पास कथा की पुस्तक नहीं थी, इसलिए मेरे हस्बैंड मोबाइल में ही देख करके मुझे कथा सुनाए। और कथा संक्षेप में ये है कि माता पार्वती शंकर भगवान को पति के रूप में मान चुकी थी, और माता पार्वती के पिता ने उनको विष्णु भगवान को देने का संकल्प किया। इस बात को जानकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और अपने सखियों के घर चली गई। तो सखियां उन्हें लेकर के वन में गईं, और वन में जाकर के ही माता पार्वती ने घनघोर तपस्या की। और हरतालिका तीज के ही दिन शंकर भगवान प्रसन्न होकर उनको अपने पति के रूप में मिलने के लिए आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इस व्रत को मनाया जाता है। और इस पूजा करने के बाद मैं आरती कर ली भगवान जी की, और इस तरह मेरी पूजा पूरी हुई। बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। और पूजा करके मैंने अपने बेटे को आशीर्वाद भी दिलाया, और अच्छे से भगवान को प्रणाम करके मैं अच्छे से भगवान से आशीर्वाद ली। हेलो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, क्योंकि सुबह पारण के लिए पार्वती जी को चढ़ाने के लिए मालपुआ या हलवा पूड़ी बनाया जाता है, जिसके लिए आज मैं मालपुआ बना रही हूँ। और जिसके लिए घोल तैयार करके मैं रात को ही रख दी थी, अब वो अच्छे से फूल गया है, तो मालपुए अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं मैदे का घोल नहीं बनाई थी, मैं आटा, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और ये सब डालकर मैं घोल बना के रख दी थी। ये देखते हैं, देख सकते हैं इतना गाढ़ा घोल है, ये इसी से बन के तैयार होगा मेरा प्रसाद। तो अभी मैं आप लोगों को भी प्रसाद बना के दिखाऊंगी। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं रात को पूजा यहीं पे हुई थी। अब ये सारा कुछ प्रसाद हटा करके और अच्छे से शंकर पार्वती जी को नहला के, उनसे आशीर्वाद मांग के, उनको भोग लगा के, फिर उनको पूजा पूरी होगी, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैंने ये निकाला है दान का सामान, और ये सब भिजवाना है मुझे मंदिर, तो अभी मैं कुछ प्रसाद के साथ मैं इसको भिजवा दूंगी मंदिर। फ्रेंड्स, ये भगवान जी की मूर्ति है जिसकी पूजा मैंने रात को की थी, उसको अब प्रवाहित करना है, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको प्रवाहित करने के बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो मुझे पंडित जी ने बताया कि अगर कोई नदी तालाब ना हो तो किसी बर्तन में पानी रख करके उनको अच्छे से उसी में प्रवाहित करके, और वो पानी मिट्टी सहित किसी गमले में डाल दो। तो ये भी मतलब ये एक तरीका बताया उन्होंने कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं ये देख सकती हूँ, मैं पानी में इनको प्रवाहित कर रही हूँ। बोलो शंकर पार्वती जी की जय, बोलो गणेश भगवान जी की जय।
हो गई पूजा, बाय बाय। फ्रेंड्स, तीज की जो मॉर्निंग होती है नेक्स्ट डे की, वो एक हमारे यहाँ एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि इतना कठिन व्रत करने के बाद घर के परिवार की औरतें मिलकर के अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। और यहाँ पे तो मैं अकेले रहती हूँ बाहर, तो इसलिए मैं भी कोशिश की हूँ कुछ खाना बनाने की। तो आप देख सकते हैं मैंने ये प्लेट इतना सारा खाना बनाया है, क्योंकि घर में सब लोग बना रहे थे तो मैं भी एक्साइटेड हो गई। देखो मेरा बेटा इसमें से लेके खा भी रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, अब आप लोग भी इंजॉय कीजिए।